GLM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई। दोस्तों फायर अलार्म सिस्टम में जब भी कोई फॉल्ट आती है इस तरह की बीप 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 साउंड आती है तो उसको कैसे बंद करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो फॉल्ट है उसको कैसे ट्रेस करना है वो भी आप जानेंगे। तो दोस्तों ये देखिए फायर अलार्म सिस्टम में यहाँ पर सबसे पहले आप नोटिफिकेशन चेक कीजिए कि किस चीज़ का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है। Why this notification is appearing here? So here you can see there is total three fault showing. The one fault is related to the battery. Second fault is related to the zone 2 open. And third fault is also related to the zone open. But it's a one. तीन अलग fault यहाँ पे show कर रहा है. First battery fail, second zone 2 open और third zone 1 open. Zone open के जो fault होते हैं दोस्तों वो क्यों आते हैं? जब रजिस्टर हमारा ख़राब हो जाता है किसी डिटेक्टर में लगा हुआ तब आपको जोन ओपन का फॉल्ट दिखेगा। कोई वायर लूज़ हो गई है, कनेक्शन आउट हो गया है, या आपने रॉन्ग कनेक्शन इंप्लीमेंट कर दिया है वहाँ पर, या डिटेक्टर की फिटिंग लूज़ हो गई है, एक्सेट्रा। ऐसे कुछ ये चार पांच रीज़न हैं जिसको आपको वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप चेक करना है, तो उसी में से कोई ना कोई फॉल्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह से जोन को तो आप इस तरह से क्लियर कर पाएंगे। सो देखते हैं, सबसे पहले मैं डिटेक्टर की फिटिंग चेक कर लेता हूँ और मैं चेक करता हूँ क्या इससे ये फॉल्ट का जो इंडिकेशन है वो रिमूव होता है कि नहीं। सो यहाँ पर मैंने इसका फिटिंग थोड़ा सा लूज़ किया था, ये देखिए फिटिंग मैंने ओके कर दिया और ये यहाँ सर यहाँ से एक फॉल्ट रिमूव हो चुका है। देखिए जोन वन की फॉल्ट तो जा चुकी है, अब जोन टू का देखते हैं। मैंने आपको एक ट्रबल शूटिंग समझाने के लिए इसकी भी फिटिंग लूज़ की थी। ये देखिए ये इसका इंटरनल कनेक्शन है, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ डिटेक्टर को बेस के ऊपर अगेन। सो आई फिक्स हियर डिटेक्टर ऑन द बेस। तो सभी डिटेक्टर्स की सबसे पहले फिटिंग चेक कीजिए, एंड ऑफ द लाइन रजिस्टर चेक कीजिए, कोई वायर तो नहीं निकला है वो चेक कीजिए। ऐसा भी हो सकता है रजिस्टर फॉल्टी हो, कोई वायर शॉर्ट हो रही हो, वन बाई वन आपको चेक करते हुए आगे बढ़ना है। अब ये जो एक लास्ट फॉल्ट इसमें रह गया है बैटरी फेल का, ये क्यों है? सो वी आर रिमूविंग दिस ओपनिंग दिस केस ऑफ द पैनल एंड लुक हियर वी डिडेंट इंस्टॉल बैटरी, यानी कि हमने यहाँ पर बैटरी इंस्टॉल नहीं किया है इसलिए बैटरी फॉल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ पे बैटरी इंस्टॉल करेंगे तो ये फॉल्ट परमानेंटली डी इंडिकेट हो जाएगा, यानी दोस्तों जो फॉल्ट इंडिकेट कर रहा है वो नहीं करेगा इंडिकेट। तो यहाँ पर आप बैटरी लगा सकते हैं, जो मेन सप्लाई है, कई बार ऐसा होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल हो जाती है तो हमारा पैनल बंद हो जाता है, तो बैटरी लगाने से क्या होगा कि इसे एडिशनली बैटरी बैकअप मिलते रहेगा। यहाँ पे देखिए दो बैटरी लगाने के लिए लेबल लगा हुआ है, 12 वोल्ट की दो बैटरी आप लगा सकते हैं, सीरीज़ में लगाना है, दोनों बैटरीज को कनेक्शन कीजिए सीरीज़ में, और 12+12 24 वोल्ट इसको पैनल को मिलेगा और 24 वोल्ट पे ये हमारा पैनल चालू हो जाएगा। 12 और 12 24 वोल्ट बनते हैं सीरीज़ कनेक्शन करने पर। अब जो बीप बीप बजर बज रहा है उसे किस तरह से स्टॉप करें, तो इस फॉल्ट को हम एक्नॉलेज कर लेंगे। ACK का बटन प्रेस करें, जो भी पैनल का पासवर्ड है वो आप डालिए यहाँ पर, और एंटर के बटन पे क्लिक करें, और इस फॉल्ट को जैसे ही आप एक्नॉलेज करेंगे जो बजर बज रहा था वो स्टॉप हो जाएगा बजना। तो इस तरह से आप फॉल्ट को एक्नॉलेज करते हैं और उस फॉल्ट का जो बजर ट्रबल रिमाइंडर करा रहा था वो बंद हो जाएगा बजना। ट्रबल रिमाइंडर एक फीचर होता है आपके पैनल के अंदर, मैं दिखा देता हूं आपको। एंटर सेट जोन, ये देखिए ट्रबल रिमाइंडर अनेबल डिसेबल, इसको आप चाहे तो डिसेबल रख सकते हैं। अनेबल रखेंगे तो जो भी टाइम है इसमें सेट किया हो उतने टाइम के बाद इसमें जो भी फॉल्ट है वो आपको रिमाइंडर कराएगा, इन शॉर्ट वो बजर बजेगा।